भागलपुर के अलीगंज स्थित स्पिनिंग मिल में बन रहे सीपेट भवन का निरीक्षण करने बीजेपी के एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे। उन्होंने यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इससे पहले बिहटा हाजीपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं भागलपुर में 40 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है और इसका निर्माण दिसंबर से पहले करा लिया जाएगा। वहीं इसके उद्घाटन में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री भी आएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सीपेट की पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद यहाँ से पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश के साथ साथ देश के बाहर भी यहाँ के युवा नौकरी पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बदल गई है, लेकिन जो विकास के कार्य हैं उसमें विपक्ष के नाते पूरा सहयोग सरकार का किया जा रहा है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम खत्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई है। तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पर एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन वन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा, इतनी इसकी डिमांड होती है। तो और ये मनसुख भाई मंडाविया को बुला के जो मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, उससे इसका उद्घाटन कराएंगे। नवंबर का है, दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये उद्घाटन हो जाए। बिहार सरकार के भी लोग रहेंगे और ये एक अच्छी संस्था है। उजरे हुए दियार को भी संवारा जा सकता है अगर आपके कलम में ताकत हो और दिल में जज्बा हो कुछ काम करने का। तो वो भागलपुर के लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रेशम भवन मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बुनकर के लिए अभी 20 करोड़ का भवन नाथनगर थाना के बगल में, उसके लिए हम लोगों ने भेजा था, जल्दी मिल जाएगा वो। और एक जो पुराना रेशम कॉलेज था जो मृत प्राय हो गया था, उसमें टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बिहार का पहला खुल गया है, कोर्सेज भी होने लगे, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। तो भागलपुर से जो हमारा रिश्ता है, और भागलपुर का हक भी था, सिर्फ रिश्तों के बिना पे नहीं, भागलपुर का ये हक था कि भागलपुर को टेक्सटाइल रेशम नगरी कहा जाए, सिल्क सिटी की कहा जाए, लेकिन उस पर कोई काम ना हो। तो अभी तक तो सिर्फ भाषण में होता था, सिल्क सिटी सिल्क सिटी। हमने बुनकर को थाई पे जो धागा बनाते थे उसकी भी मशीन दी, कोरोना टाइम में 10-10 हज़ार रुपये दिए थे उनको। उसके अलावा बुनकर भवन हम लोग बना ही रहे। तो यहाँ टेक्सटाइल, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो मुझे मिली थी, समझिए भागलपुर के भाग से ही मिली थी कि भागलपुर के लोगों का कुछ भला हो, बिहार का भला हो। तो इंडस्ट्री में तो बिहार में काफ़ी काम हुआ, 17 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, उसके बाद अभी अडानी का 2 सीमेंट प्लांट, एक मुजफ्फरपुर में, एक वारसलीगंज में, और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने में लगे हुए। सरकार बदल गई है लेकिन जज्बा नहीं बदला है, यानी इंडस्ट्री को विपक्ष में रहकर भी हम लोग उसमें व्यवधान पैदा नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर मदद कर रहे हैं। तो ये संस्थान जब बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। शहर में जाम की समस्या आम हो गई है, हर दिन राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला भागलपुर के TNB कॉलेज के सामने का है, जहां सेंट जोसेफ स्कूल की छुट्टी होते ही घंटों आने जाने वाले राहगीरों को जाम का सामना करना पड़ता है। फिर भी यहां ट्रैफिक व्यवस्था नदारद रहती है। जाम का सिर्फ एक ही कारण है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद प्राइवेट गाड़ियों की लंबी कतार TNB कॉलेज के सामने NHSC पर देखी जा सकती है, जिस कारण छुट्टी होते ही बच्चों को लाने ले जाने वाले परिजन भी जाम की समस्याओं से परेशान देखे जाते हैं। वहीं इस दौरान परिजनों ने कहा कि ऐसी समस्याओं से हम लोगों को हर रोज जूझना पड़ता है, इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था इस इलाके में बिल्कुल नहीं है।
अगर इस चौक पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए तो शायद घंटों लोगों को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये एक दिन का आज पहला दिन नहीं है, डेली यहाँ का यही हाल है। और इसी टाइम में जब भी संत जोसेफ स्कूल बगल में है, जब छुट्टी होती है, यहाँ पे इसी प्रकार से भीड़ लगा रहता है। और स्कूल प्रशासन के तरफ से इतने बच्चे को बुला तो लिया जाता है, स्कूल प्रशासन का इतना स्कूल का गाड़ी सड़क पर लगा रहता है, लेकिन स्कूल प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि ना ही पार्किंग का व्यवस्था है, ना ही बच्चों को किस तरह से यहाँ से ले जाना छोड़ना है उसकी व्यवस्था की गई है। हम सभी यहाँ TNB कॉलेज के छात्र भी यहाँ इकट्ठे होते हैं। बीच में ये लोग TNB कॉलेज को पार्किंग स्थल बना दिया गया था, TNB कॉलेज को संत जोसेफ यानी कि समझ सकते हैं संत जोसेफ स्कूल का पार्किंग स्थल TNB कॉलेज हो गया था। परेशानी देख रहे हैं दोनों तरफ से जाम, इधर से कॉलेज का टाइम, इधर स्कूल का टाइम है, डेली का। और कमाल तो यह है कि इसी समय आता है नगर निगम वाला कूड़ा सफाई के लिए भी, कोई बोलने वाला नहीं है शहर में, कोई समझने वाला नहीं है। पब्लिक जितना परेशान होता रहे। कितनी समस्या है? बहुत समस्या है, कम से कम एक सेक्शन 4 सिस्टम में होना चाहिए यहाँ पर। स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल में जिस समय छुट्टी होती है उसी समय जाम लगता है, और इसके लिए स्कूल प्रशासन इसका व्यवस्था करे या जिला प्रशासन इसका व्यवस्था करे। डेली प्रत्येक दिन का यही हाल है। कितना भी जाम में लगना पड़ता है? 2 घंटे लगभग, 1 से 1.5 घंटे के आसपास जाम में डेली लगना। डेली जाम है। बच्चे को अलग परेशानी है, गर्मी में कितना बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। स्कूल प्रशासन का लापरवाही है? हाँ, स्कूल प्रशासन का जरूर लापरवाही, इसका व्यवस्था करे वो। स्कूल अगर खोले हैं तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी के मुरली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्यार में पागल 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। विवाहिता आधार कार्ड बनवाने के बहाने घर से निकली और मौका देखकर प्रेमी संग हवा हो गई। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ, मेरा घर मुरली हुआ और मेरी पत्नी का नाम सुषमा देवी हुआ। मेरा शादी का 8 साल हो गया, मेरा 2 लड़का था और जब हमको सुबह सुबह भेज दिए वो काम पे खाना उना खिला के वो 2 बच्चे को स्कूल भेज दिए, दोनों बच्चे को, और वो बोली कि घर में बगल वाली को मैं आधार कार्ड बनाने जा रही हूँ, बच्चा को स्कूल से ही उठा के लेके चला गई। उसके पास जितना कागज उगज था सारा कागज उगज लेके चल गया और ये लड़का के फेर में था। हम एक बार उसको मारे पीटे भी थे, समझाए थे, लेकिन वो कुछ नहीं सुनी। रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी ब्रजेश कुमार सिंह ने थाने में आवेदन देते हुए लिखा है कि सुषमा देवी से उसने प्रेम विवाह 8 वर्ष पहले की थी, जिससे उनको 2 बच्चे भी हैं। पत्नी सुषमा देवी सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाती थी। सोशल मीडिया पर ही पटना के एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है और वो 5 सितंबर को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को सुबह दोनों बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेज दिया गया, हमें भी काम पर भेजा गया। पत्नी सुषमा देवी ने पड़ोसी को यह कहकर बाहर निकली कि आधार बनवाने जा रही हूं और वह स्कूल से ही दोनों बच्चों को लेकर वहां से फरार हो गई। वह अपने साथ 7,000 नगद रुपये, जेवर व सर्टिफिकेट लेकर भी गई हैं। उसके बाद हम जब शाम को काम करके आए तो उसको ढूंढने गए, नगुछिया भागलपुर तक गए, ढूंढ के आए, कोई पता नहीं चला। उसके बाद हम जाके दूसरा दिन दिए आवेदन थाना में दिए तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। थाना में रिपोर्ट जैसे के तैसे ही धरा था, वो बोला देखेंगे, बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे,
घटना कब की है? घटना आज से 3 दिन हो गया, आज चौथा दिन है। आपको अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था? हमको थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन वो इतना रो रो के बोल रही थी हमको कि हम ऐसा कर्म नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, वो बोल रही थी। उसके बाद हम विश्वास करते थे उस पर, मेरा कोई तो था नहीं, हम उस पर ही विश्वास करके सारा काम करते थे। पैसा 7,000 हम किस्ती के लिए दिए थे, 7,000 वो किस्ती के लिए दिए थे, तो वो भी पैसा लेके चले गए। उसके बाद वो अपना जेवर तेवर पहन के चली गई और वो अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके चला गया। उनका ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? आज से लमसम कम से कम एक डेढ़ दो साल हो गया, 2 साल से हमको पता नहीं चलने दे रहा था वो। जब वो पटना का है, एक नहीं दो दो लड़का था, एक से जब हम बातचीत पकड़े थे तो उसको मारे पीटे थे, उसको भी गाली गलम दिए थे लड़का को, तो वो फोन नहीं करता था। ये दूसरा लड़का बात करवाता था, इसका नाम है ओके राजा, ओके ई राजा है। और उसके बाद एक जो लड़का के साथ में हमको लगता है डाउट कि भागा है, उसका नाम प्रभास है, वो पटना का रहने वाला है दोनों। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पटना के प्रभास कुमार के साथ लगातार बात करती थी, कई बार उसे बातचीत करते हुए पकड़ा भी गया था और पत्नी के साथ मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद पत्नी सुषमा देवी ने प्रभास कुमार से बातचीत न करने कसम खाई थी, लेकिन फिर वो युवक से बातचीत करती रही और 5 सितंबर को मौका देखकर अपने प्रेमी संग वह फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नौगछा मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित ब्रजेश कुमार की पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पीड़ित के पत्नी का मोबाइल लोकेशन पता किया जा रहा है, मामले का अनुसंधान पुलिस की ओर से प्रारंभ है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है, वर्तमान में टीएल लेके उसका लोकेशन पता किया जा रहा है। मामला के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, उसकी छानबीन की जा रही है, अभी जाँच करने के लिए टीम गई हुई है, अनुसंधान का विषय है, मामला जो भी होगा सामने आ जाएगा। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर बहियार में युवती का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती की किसी ने हत्या कर लाश को बोरे में बंद कर नदी में बहा दिया था। नदी में बहता हुआ शव मधुसूदनपुर के पास पहुंचा, पुलिस ने बोरे में बंद सरकटा कंकाल बरामद किया है। मामले की जानकारी पाकर घटनास्थल पर पहुंची अकबरनगर शाहकुंड मधुसूदनपुर और नाथनगर थाने की पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंचे। उस नरकंकाल के कमर के नीचे पहनावा और हाथ में बड़े बड़े नाखून से जाहिर होता है कि किसी युवती या महिला की लाश है। शाकुंड पुलिस एक वृद्ध दंपति को शव का शिनाख्त कराने के लिए वहां पर लेकर पहुंची थी, लेकिन उन लोगों ने पहचान करने से इनकार कर दिया। आज शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। भागलपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू के चपेट में आ रहे हैं। मायागंज अस्पताल से लेकर सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर दिखाई पड़ रहा है। भागलपुर दक्षिण क्षेत्र का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र मोदी नगर नर्स और फार्मासिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक डॉक्टर को डेंगू हो गया है, तो वहीं दूसरे डॉक्टर किसी काम से ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ इलाज कराने के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि जिले में डेंगू का आंकड़ा लगभग 200 के पार हो गया है। वहीं डेंगू से अब तक कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में लोकनायक कर्पूरी ठाकुर के परिचर्चा में शामिल होने बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी पहुंचे। वहीं उनसे मिलने सुल्तानगंज प्रखंड के पूर्व जदयू अध्यक्ष सतिलकपुर पंचायत के सरपंच व सरपंच संघ के अध्यक्ष विमल किशोर यादव पहुंचे। बिहार सरकार के मंत्री से जब वो मिलने पहुंचे तो वहां उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सभा परिसर से सरपंच संघ के अध्यक्ष को बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा होने लगा। विमल किशोर यादव ने इसका जमकर विरोध किया। विमल किशोर यादव ने मंत्री जी को कुर्सी का हवाला भी दिया। सरपंच विमल किशोर यादव ने कहा कि जब मंत्री जी से वो 2 मिनट का समय मांग रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं ने मुझे वहां से सभा से बाहर निकाल दिया।
उन्होंने ये भी बताया कि वो कहीं पार्टी का पोल न खोल दें, इसको लेकर उन्हें उस सभा से बाहर कर दिया। इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मैटर क्या हुआ? मैं प्रखंड अध्यक्ष भी मिलकर सो जाता और जिला सचिव महासचिव भी मिलकर सो जाता। मेरा कहना है कि आप ही का बाप का बपौती है क्या? किसी पब्लिक को बोलने का मौका नहीं दीजिएगा क्या? ये बपौती है कुर्सी, बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। मैं प्रखंड अध्यक्ष कितना का मालिक मैं हूँ, एक मिनट समय बोलने का नहीं दिया। बोलता जाइए आप बाहर दीजिए, ऊपर में भोज खाने जाएंगे। अरे पैकेट देखेंगे, पैकेट चाहिए हमको भी मल किशोर यादव को। मेरा दावा है कि हम डीएसपी से साहब से फोन डीएसपी से, एक मिनट मौका जनता को बोलने का नहीं दीजिएगा। मैं जनता नहीं हूँ क्या? नहीं तो आप चोरों की सरकार, फल्ला की सरकार, मैंने ये सोचता क्या चाहिए कर देगा कि सरकार किसी की है? कर्पूरी बाप को हम नहीं जानते क्या? मैं डबल एम ए बी एड हाई स्कूल का टीचर, बढ़ावा भी मैं किस सोचा था, एक मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। क्या समझते हैं, गुलामी है क्या? अरे किसी नेता को